राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन राधे राधे। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे तुलसी माता कहते हैं, तुलसी का प्लांट्स कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मानी जाती है कि सबसे ऊंचा दर्जा तुलसी का रहा है प्लांट में से, कि भाई कोई पौधा हिंदू के घर में आपको मिले या ना मिले, मगर यह है कि आपको तुलसी का पौधा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तुलसी के बहुत ही बेनिफिट है और बहुत तरह के दवाई में हर चीज़ में काम आता है तुलसी। आप किसी आप छोटा सा मामूली सा घर में आप कथा हवन भी करवाते हो या कोई पूजा पाठ भी करते हो तो बगैर तुलसी के तो वो अधूरा है। तो इसलिए जो है कि हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए घर के अंदर, मगर तुलसी तो चाहिए ही चाहिए। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, जैसे बहुत से हमारे भाई बहन हैं, बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जो मेरे से पूछती हैं कि तुलसी कैसे लगाया जाए। हम तो बहुत बार घर में तुलसी लाते हैं, लगाते हैं, मगर तुलसी जो है हमारे घर में रुकता ही नहीं है, रुकती नहीं है। लगाती हूँ वे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। सो आप बताओ कि तुलसी कैसे लगाना चाहिए। आप देख रहे हो मेरे घर में ये तुलसी लग रही है, और ये कम से कम नहीं कुछ तो मैं आपको बताऊँ ये 3-4 साल पुराने। मैं इसे हर 6 महीने 2 महीने पीछे मैं ऐसा कि इसकी कटिंग कर देती, क्योंकि ये इतने बड़े हो जाते हैं कि मुझे इसे रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी प्लांट्स हैं ये चारों तरफ से फैल जाते हैं। और ये प्लांट्स ऐसा है कि इसमें देखो थोड़ा सा वैसे भेदभाव सा भी होता है कि जैसे इसमें ना तो हम गंदा हाथ लगा सकते हैं ना पैर लगा सकते, इसे साइड में रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हो मैंने कुछ दिन पहले इस प्लांट्स की जो है इसमें ये जितने भी फ्लावर्स हैं इतने फ्लावर्स आ रहे थे और सारे बीज के लिए सूख भी रहे थे ये, तो मैंने इसमें जितने भी ये फ्लावर्स हैं मैंने सारी जो है तोड़ दी थी, इनकी सारी मैंने काट दी थी। ये फिर से सारे फ्लावर्स इसमें निकल आए, क्योंकि तुलसी जो है तुलसी तो पूजा के लिए तो है ही, बाकी तुलसी ये है आप एक प्लांट से एक पौधे से आप हजारों कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा। ये जैसे थोड़े से ये अब जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, ये बीज कहीं भी ज़रा सा गिर जाए और वहाँ थोड़ी सी बस नमी मिल जाए इसे, वहीं तुलसी का पौधा तैयार है। तो कम से कम काफ़ी दिन हो गए जब मैं एक प्लांट से लेके आई थी नर्सरी से ख़रीद के अपने घर पूजा के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे हिंदुओं के हिसाब से कि भाई हमारे घर में तुलसी की तो ज़रूरत है, कि भाई नहाने धोने के बाद कम से कम उसमें यह है कि एक लोटा पानी तो दे ही सकते हैं, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो। तो मैं लेके आई थी तो उस एक पौधे में से ये मानो कि काफ़ी सारे हो गए, इतने सारे प्लांट्स लगे रहते हैं मेरे पास, पड़ोस के भी आते हैं और वो मेरे पास से तुलसी के प्लांट्स ले जाती हैं कि भाई पूजा करने के लिए घर में लगाने के लिए, जैसे कथा हवन में भी ज़रूरत पड़ती है तो वे ले जाती हैं। तो ये कोई रोकने की और मना करने की चीज़ है। तो मेरे भाई बहन ऐसा है कि आप भी अपने घर में तुलसी तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जहाँ तुलसी रहता है वहाँ कोई भी दुख तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि हर चीज़ हर तकलीफ हर मुसीबत दूर हो जाती है। अगर आप तुलसी में थोड़ा सा जल डालें सुबह को नहाने के बाद तो हर मुसीबत दूर हो जाती है, तो तुलसी घर में होना ज़रूरी है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का प्लांट्स कैसे लगाया जाता। वैसे तो आप जैसे तुलसी का पौधा आप ख़रीद के ले आते हो तो आप लगाते हो, ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं तुलसी का किसी के घर में प्लांट्स दिख रहा है तो आप प्लांट्स मतलब उखाड़े, अगर उसके उनके पास एक्स्ट्रा है तो आप ला सकते हो, बाकी नहीं तो अगर कहीं भी आपको तुलसी का बीज दिखे, जैसे ऐसे तुलसी में फूल से होते हैं और ऐसे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये थोड़े जैसे जब सूख जाए तो आप उसे जो है आप उसे आराम से इस तरीके से निकाल के आप ला सकते हो। और आपको मैं बताती हूँ कि तुलसी के बीज को बीज से तुलसी को कैसे उगाना है, दिखा रही हूँ मैं एक मिनट। जैसे ये है फ्लावर आप देख रहे हो, ये अभी तो कुछ थोड़े हरे हैं फ्रेंड्स, मगर जैसे ये थोड़े से सूख जाए तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ में। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे कैसे लगाना है। तो आप अपने घर ले आइए, जैसे कहीं मिट्टी है या जैसे आपके कच्ची जगह है तो आप वहाँ भी लगा सकते हो, और नहीं अगर आपके घर में कच्ची जगह है तो आप जैसे कोई पॉट ले लो या जैसे कोई भी बेकार चीज़ पड़ी हो आपके घर, जैसे ये है मेरे पास, ये एक तरह से बेकार है तो मैं इनमें थोड़ी कुछ मिट्टी ले लूँगी। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ऐसा करना है, तो इसे जो है एक मतलब कि इसे सही से इसे बराबर मिट्टी को करके इसमें कुछ भी नहीं डालना, आपको सिर्फ अपने गार्डन की मिट्टी, खेत की मिट्टी, कहीं से कोई सी भी मिट्टी आपको लानी है आप वो इसमें रख लें, और उसमें आपको बराबर करके आपके पास जितने भी बीजें हो आप उन बीजों को ऐसा करें कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, ऐसे ऐसे आप उन बीजों को इनमें डाल दीजिए।
आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, आपको दिख रहे होंगे, आपको इनमें सीड्स को आपको ऐसे डाल देने, और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर ऊपर से हल्की हल्की डाल देनी है, ताकि ये जैसे हवा से, ये जैसे कोई चिड़िया ना ले जाए, ये जैसे, क्योंकि चिड़िया भी ऐसे, जैसे कोई बीज होता है तो वो उठा, चींटी आती हैं वो लेके चली जाती हैं, तो आपको हल्की सी मिट्टी की एक लेयर ऊपर से करनी है ऐसे, और इसे मतलब जैसे कि कुछ नहीं करना है, इसने आपने छोड़ देना है। और इसमें क्या है, हल्का सा आप जैसे आपको जब भी लगे कि भाई आपकी मिट्टी सूख रही है, तो आपने हल्का सा जो है इसमें वाटरिंग कर देनी, स्प्रे कर देना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि आपके जिस चीज़ में आप लगा रहे हो अगर उस चीज़ में होल है तो ठीक है, और जैसे नहीं है अब इसमें कोई होल कोई सुराख नहीं है, तो अगर मैं इसमें ज़्यादा पानी डालूँगी तो क्या होगा कि हमारी सारी बीज गल जाएगी और इसमें पानी इकट्ठा होने लग जाएगा, तो हमने ऐसा नहीं करना है। जैसे अब इसमें होल नहीं है, सुराख नहीं है, तो मुझे क्या करना है इसमें, बस मैं 2-3 दिन पीछे मुझे जब भी ये लगेगा कि सूख चुका है पूरी तरह से, तो मुझे जो है इसमें हल्का सा स्प्रे मारना है, बिल्कुल हल्का सा, जो सिर्फ इसमें मिट्टी में थोड़ी सी मॉइस्चर रह जाए। उसके बाद आप देखना, हफ्ते भी नहीं लगते, सप्ताह भर भी नहीं लगता, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही फिर ये इनके बीज पौधे में बदलने लग जाता, फिर ये इसके प्लांट्स तैयार होने लग जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, आप एक थोड़ी सी बीज कहीं से लिया, उससे आपको हजारों तुलसी के पौधे हो जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है फिर कि कहीं में पैसे लगाएं या कहीं से पौधे खरीदने को जाएं। वो एक अलग बात है कि जहाँ कहीं दूर दूर तक आस पड़ोस नहीं है, कोई आपको नहीं गुंजाइश है, तो आप किसी से मतलब नहीं रखते हो, तो आप लेके आ सकते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी मैं तो एक पौधा लाई थी, मेरे एक से ही हजारों हो गए, ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकती मेरे पास कितने प्लांट्स हो गए, और मैं लोगों को दे भी देती हूँ। चलो।